हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ जीव विज्ञान के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, जो आपको आने वाली रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, दांत मुख्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? तो वो डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? तो इसका आंसर होगा पेरामीशियम। अगला क्वेश्चन, केचुए की आँखें होती है? इसका आंसर, केचुए में एक भी आँखें नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर जो है वो विटामिन ए का स्रोत है। और फ्रेंड्स, विटामिन ए जो है मनुष्य के शरीर में यकृत में स्टोर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क का लगभग भार क्या है? तो इसका आंसर होगा 1350 ग्राम। बहुत सी बार फ्रेंड्स एग्ज़ाम में 1400 ग्राम भी लिखा हुआ आता है, तो आपको 1400 ग्राम या फिर 1350 ग्राम ही टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका आंसर होगा लोहा। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा पनीर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा कुटपात के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और दोस्तों फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मुख से, है ना, मुंह से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है? वो श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो वो ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो वो प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो उसका आंसर होगा विघटन। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो वो 120 से 80 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो वो कहलाती है ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा घ्राणेन्द्रिय पाली। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो वो सेरिब्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, सेरिब्रम को अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो वो इसका आंसर होगा इंसुलिन के कारण। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? तो ये इसका आंसर होगा मृदजीवी के अंतर्गत। ठीक है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो वो 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर होगा सियोकाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हाइपर टेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद करने की एक टेक्निक भी होती है, जैसे किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो किस कारण से बढ़ता है? और टेंशन की वजह से बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? तो इसका आंसर होगा रंध्र। अगला क्वेश्चन, फेफड़े का आकार होता है? तो इसका आंसर होगा शंक्वाकार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा मेंडल ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक को किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा थियोफ्रेट्स। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शैवाल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो इसका आंसर होगा झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका आंसर होगा साइकस से। ठीक है फ्रेंड्स, साइकस एक पौधा होता है, उस पौधे से साबूदाना बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लिनियस। अगला क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा वर्गीकी, यानी उसका वर्गीकरण करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एग्रेस्टेलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा घासों का। अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बीज का। अगला क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो वो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो वो एशेरिशियाई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें गोलाणु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा छड़ रूपी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, और जिन पौधों के ऊपर बीज रहते हैं उन्हें आवर्त बीजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ल्यूवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो इसका आंसर होगा लिनियस। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा इवानोवस्की ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो
इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, जिसका आंसर होगा लैक्टोबेसिलस। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किसमें होता है, तो इसका आंसर होगा मूंगफली में। हाल ही फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग है, इसका आंसर होगा आतंशक। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा लेमिनेरिया से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन, केल्प प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा समुद्री शैवालों से। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोस की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर होगा विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन, सार्स क्या है, सार्स जो है वो फ्रेंड्स एक विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, तो इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा विषाणु के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा परमेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इसका आंसर होगा इंडोकार्पन। अगला क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है, तो उसे सेक्सिकोल्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कोप्रोफिलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा कोर्टिकोलस। अगला क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं, तो इसका आंसर होगा विविधपोषी। अगला क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर होगा काइटिन व हेमिसेलुलोज की। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा मूसला जड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, तो उन्हें अपस्तनिक मूल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो इसका आंसर होगा चेचक। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, तो वो राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो इसका आंसर होगा शैवालों के संवर्धन का। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एजोला। अगला क्वेश्चन, एजोला क्या है, तो एजोला जो है वो एक जलीय फर्न है। अगला क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन, श्वसन मूल मिलती है, तो इसका आंसर होगा जूसिया में। अगला क्वेश्चन, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा गन्ने में। अगला क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती है, तो इसका आंसर होगा मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन, गाजर है, तो गाजर जो है वो एक जड़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, तो उसका आंसर होगा स्तंभ मूल।
अगला क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका आंसर होगा तना। अगला क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो इसका आंसर होगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।